प्रदेश में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अकेले शिमला जिले में ही इस बार करीब 2 करोड़ सेब की पेटी होने का अनुमान लगाया गया है। सेब सीजन के दौरान सुचारू व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीजन के दौरान ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए पुलिस द्वारा 11 नाके और 5 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। फागू में मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोहित चालवा ने आज शिमला में बताया कि ड्रोन से भी ट्रैफिक की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस जो भी सेफ्टी रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए दायित्व हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तकरीबन 40,000 के आसपास ट्रक्स एक्सपेक्टेड हैं और 2 करोड़ के आसपास बॉक्सेस की प्रोडक्शन सिर्फ शिमला में एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन प्रोडक्शन बढ़ी है और हमारी भी व्यवस्थाएं इस हिसाब से बढ़ जाएंगी। 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये सीजन रहता है जहाँ तक हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं, और ये पीक पकड़ता है 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में। तो हमने इस पर रोटेशनल के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्थाएं की हैं। 5 मेजर पॉइंट्स पे हमारा पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 11 पॉइंट पे पुलिस बैरियर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। हमने इस बारी ट्रैफिक की जो हमारी रफ्तार स्क्वाड है, अभी वो शिमला कंसंट्रेटेड थी, अब हमने पेरिफेरल एरियाज ऊपर कुफरी तक उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी है कि ताकि वो अवेलेबल रहे। नाका 24/7 रहेगा और इस बार हम ड्रोन की भी मदद लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में शिमला शहर में पर्यटकों की काफी भीड़ बढ़ गई है और कोविड नियमों के उल्लंघन पर उनके चालान भी किए जा रहे हैं।